हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप लोग देख रहे हो शैडो शूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ दोस्तों, आप बताओ जल्दी जल्दी कि कौन सब लोग अभी तक बेड से उठे नहीं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे ओडिशा के सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सा दिन है, क्योंकि आज है पवित्र रथ यात्रा। तो दोस्तों, इस दिन लॉर्ड जगन्नाथ अपने मासी के घर घूमने जाते हैं और वहां पे जाके खूब मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी जगन्नाथ को मानते हो दोस्तों, नीचे जरूर लिख देना कि जय जगन्नाथ। और हां दोस्तों, बस इतना ही नहीं, आप लोग ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहो, क्योंकि ये मुझे आगे के वीडियो के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं यार। आप ट्रेनिंग मोड में ग्रेनेड को अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हो। अच्छा, वैसे कैसे? स्टेप 1, ग्रेनेड लो। स्टेप 2, एक ग्रेनेड को यूज करो। स्टेप 3, एक गन पकड़ लो। स्टेप 4, अपने नेट को ऑफ करो। स्टेप 5, भागो और एक ग्रेनेड को पकड़ लो। स्टेप 6, अपने नेट को ऑन करो। स्टेप 7, 10 सेकंड तक वेट करो और उसके बाद देखो आपके पास अनलिमिटेड ग्रेनेड हो जाएंगे। अच्छा सर, इतना ज्यादा लंबा मिथ लिखने के लिए थैंक यू मेरे भाई। तो दोस्तों, अभी अपन लोग आ चुके हैं ट्रेनिंग मोड पर। तो हाँ, मैंने अभी एक ग्रेनेड को यूज कर लिया और मेरे पास अभी बचे हैं 3 ग्रेनेड। ओके, तो दोस्तों अभी मैं गन स्विच कर चुका हूँ और इसके बाद नेट भी ऑफ कर चुका हूँ। तो चलो दोस्तों, अभी एक ग्रेनेड पकड़ते हैं और 10 सेकंड वेट करते हैं और उसके बाद नेट को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या मैच देखने को मिलता है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे सामने इतने सारे ग्रेनेड्स में फेंक रहा हूँ और मेरे हाथ से एक भी ग्रेनेड वेस्ट नहीं हो रहे। तो दोस्तों देख सकते हो, और यहाँ पे मैं बहुत सारे ग्रेनेड फेंक रहा हूँ। मेरा पिंग बिल्कुल सही चल रहा है, 50-60, और दोस्तों ग्रेनेड मैं बिल्कुल अनलिमिटेड फेंक रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे भाई ने बिल्कुल सही कहा, एंड हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। स्टेप 1, टारगेट जोन में जाओ। स्टेप 2, चेयर पे सीट करो। स्टेप 3, अपने नेट को ऑफ करो। स्टेप 4, जब 999+ पिंग हो जाए तब 3 से 4 बार सोशल जोन जाने की ट्राई करो। और हाँ, उसके बाद नेट ऑन करने पर आपको मैजिक देखने को मिलेगा। अच्छा, मैजिक के तो आपका भाई बहुत ज्यादा शौकीन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बेड के ऊपर और हाँ, नेट भी कर चुके हैं अपन लोग ऑफ। तो चलो दोस्तों, अभी जाते हैं सोशल जोन पर 4 से 5 बार और फिर नेट ऑन करने के बाद देखते हैं क्या मैजिक देखने को मिलता है। तो हाँ दोस्तों, अभी जाना आना बहुत बार हो गया। तो चलो दोस्तों, अभी बैठते हैं अपने पुराने सीट पर, नेट को ऑन करते हैं और देखते हैं उसके बाद हमको क्या मैजिक देखने को मिलता है। अरे भाई ये क्या है यार, मैं तो पहले थोड़ा सा साइड हुआ वो सही है, बट अभी आगे मैं सोशल जोन पर बैठा हूँ और वो भी उड़ रहा हूँ। बैठा नहीं हूँ, मैं उड़ रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो। और मेरे नीचे जो सोफा था वो पूरा का पूरा इनविजिबल हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना, देखना बहुत ही मजेदार दिखता है। एंड हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। आपका कैरेक्टर स्पॉन आइलैंड पर ज्यादा ऊंचा दिखता है। अच्छा, ज्यादा ऊंचा दिखता है और वो भी स्पॉन आइलैंड पर। ओके, तो चलो यार अभी मैच को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इस आइलैंड पर अपना बंदा ज्यादा ऊंचा दिखता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे तो अपना बंदा ऐसे दिखता है। तो चलो दोस्तों अभी इसको गेम के अंदर ले जाते हैं और देखते हैं क्या इसमें ज्यादा कुछ चेंज आता है कि पुराने की तरह बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों अगर आप लोग बारीकी से देखोगे तो इन गेम का बंदा और स्पॉन आइलैंड के बंदे में कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। एंड हेंस द मिथ इज बस्टेड।
तो दोस्तों ये मिथ पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को प्लीज यार एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश में अच्छे से नहीं बोल पाते हो तो प्लीज यार हिंदी में बोला करो ना, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अपना राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी ही है ना, तो इंग्लिश में इतना ज्यादा फोकस क्यों करते हो दोस्तों, हिंदी में ही कहो। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक कर देते हो ना मिथ देने में, तो दोस्तों हम लोग आपका कंफर्म मिथ भी बस्टेड कर देते हैं, जो कि हमको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो प्लीज यार हिंदी में कहो, मजे में कहो, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर कहो। तो दोस्तों हमारे भाई ने कुछ ऐसा बोला है कि जब आप प्लेन से नीचे कूदते हो उस वक्त अगर पीछे मुड़ के देखो तो आपको प्लेन नजर नहीं आएगा। अच्छा भाई ऐसा होता है? तो मैं अभी जंप कर चुका हूँ नीचे। अरे अरे हाँ यार, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, नीचे कूदने के बाद मुझे तो प्लेन का एक टुकड़ा तक नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई तुम तो बिल्कुल सही हो, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। अपडेट के बाद अगर आप बोनफायर यूज करते हो तो आपको मिनी मैप में एक लोगो दिखने को मिलेगा। अच्छा ऐसी बात है, ओके तो सर चलिए अभी ट्राई करते हैं। हाँ यार तुम्हारा बात तो बिल्कुल 100% सच निकला। अपडेट के बाद जब मैं यहाँ पे बोनफायर लगा रहा हूँ तो मैप में एक छोटा सा फायर का साइन दिखा रहा है, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। एंटी मटेरियल लॉन्चर लो, रेड ऑयल बैरल और ब्लू गैस कैन को फोड़ो और उसके बाद देखो मैजिक। ओके दोस्तों तो मेरे पास है यहाँ पे एक एंटी मटेरियल लॉन्चर और मेरे सामने है एक ऑयल बैरल, तो चलो दोस्तों अभी इसको फोड़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिलता है। दोस्त यहाँ पे तो मुझे ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला, तो अभी चलो चलते हैं ब्लू गैस कैन के पास और उसको फोड़ के देखते हैं कि क्या वहां पे कुछ चेंज देखने को मिलता है कि नहीं। ना यार दोनों कैन्स को हम लोग फोड़ चुके हैं बट मुझे ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला। अगर आपको कुछ देखने को मिला हो तो मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना, एंड हेंस द मिथ इज बस्टेड। ट्रिपल नाइन प्लस पिंग में आप लूट नहीं कर सकते। अच्छा ओके तो चलो यार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ पर क्लॉक टावर पे और करते हैं अपने नेट को 999 और देखते हैं उसके बाद क्या अपन लोग अपनी चीजों को लूट पाते हैं कि वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। हाँ यार तुमने तो बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे मैं कितना भी ट्राई कर लूं बट ये चीजों को थोड़ा सा भी नहीं उठा पा रहा हूं, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। ट्रेनिंग मोड पर हमारे पास वेस्ट और हेलमेट नहीं होता पर हमारे पास रिपेयर किट होता है जो कि किसी काम का नहीं। अच्छा रिपेयर किट मिलता है क्या वहां पर? ओके तो चलो यार अभी जाते हैं ट्रेनिंग मोड पर और देखते हैं क्या वहां पे हेलमेट और वेस्ट नहीं है। हाँ यार तुम्हारा बात तो बिल्कुल 100% सच निकला, गरीना वालों ने शायद गलती से यहाँ पे हेलमेट और वेस्ट नहीं दिया या गलती से रिपेयर किट दे दिया हो, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों होप करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों नीचे एक छोटा सा लाइक का बटन है उसके दबा देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे मजेदार से कॉन्टेंट्स डेली लाता रहता हूँ। हाँ रुको रुको दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके मित्र पर भी वीडियो बने तो नीचे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है? और हाँ अगर आपको कुछ मिथ्स याद नहीं तो कोई बात नहीं यार, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे बहुत ही ज्यादा मजेदार अमेजिंग मिथ्स लिखे हैं, जो मिथ्स आपको अच्छे लगते हैं उस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करो ताकि हम लोग कल आप लोगों के लिए वो मिथ्स लेके हाजिर हो सके। तो जाना नीचे, ठीक है? तो दोस्तों हर दिन की तरह आज भी आपका भाई आपको कुछ छोटी सी सीख देके जाना चाहता है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने लाइफ में इसको ट्राई जरूर करना, ठीक है? जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना कि जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा और कोई ना हो। I'm coming home, tell the world.